पुस्तक का किताब को गाँव करके मैं गई थी बालकन में सिर्फ देखने के लिए. इतना सुंदर बनाया ये बाथरूम के उधर भी किताब की फोटो लगी है, जिम के उधर भी किताब की फोटो लगी है, हर होटल में किताब की फोटो, किताब के रैक रखे हैं और कोई भी आता है तो किताब देखते हैं कौन सी है क्या है. तो हम भी चाहते हैं कि यहाँ बच्चे के लिए आगे पढ़ाई के लिए आपके लिए भी कुछ अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं, रामायण है, गीता है, अलग अलग टाइप के बुक है. हम एक अच्छी इधर लाइब्रेरी भी बनाएंगे क्योंकि जगह बहुत है, हम चाहे तो थोड़ा आगे बना लेंगे. जिधर खाली पड़ा है उधर आप बता दो, हम अच्छी एक लाइब्रेरी बना देंगे ताकि यहाँ के लोगों को दिन में भी आके, अभी अंकल है अभी दिन में खाली है 4 बजे 5 बजे आके बैठ सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं. और यहाँ योगा के लिए और भी कुछ चाहिए तो मैं, और पानी की व्यवस्था अभी तो है ना, कुछ पानी है, पानी की व्यवस्था है, सब कुछ है. तो आपके लिए मैं काम कर रही हूँ, आप जो भी बोले मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ. और वापस दिवाली की बहुत बहुत आपको शुभेच्छा. ऐसे है कि यहाँ सीनियर सिटीजन लोग काफ़ी आते हैं और मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं. लोगों को हर जगह में ऐसी सुविधा प्राप्त होना बहुत ज़रूरी है और मैं वासी से लेकर यहाँ तक यही काम कर रही हूँ. और जहाँ जहाँ लोगों को दिक्कत है वहाँ जाकर अपना काम करना, सेवा देना, ये मेरा फर्ज समझती हूँ. सेक्टर 15 में हमने बहुत काम किया, अभी सेक्टर 11 में भी काम करना चाहते हैं. और आप देखा होगा कि सेक्टर 11 में भी ये भी सब पहले काम मैंने किया था, जब मैं MLA नहीं थी तो ये सब शेड वगैरह MLC थी तब मैंने ही बनाया था. यहाँ का सुशोभीकरण भी मैंने किया था. आज मैं MLA हूँ तो मेरा फर्ज बनता है कि इन लोगों को सब सुविधा प्राप्त होनी चाहिए, हेल्थ की प्राप्त होनी चाहिए. हेल्थ के लिए भी अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे आकर मिल सकते, क्योंकि अभी आपको मालूम है सीनियर सिटीजन रहते हार्ट किडनी प्रॉब्लम है, ब्रेन प्रॉब्लम है. आजकल गवर्नमेंट ने अच्छी सुविधा प्राप्त करके दी है तो ये कभी भी आके मिल सकते हैं. और इन लोग का मेरे पर बहुत आशीर्वाद है और बहुत बड़े उपकार है और मैं चुकाना चाहती हूँ. जी मैम, आपको क्या लगता है वो कितना फ़ायदा होगा इससे? बहुत फ़ायदा होगा, ये खुद ही लोग बताएंगे आपको. जी मैम धन्यवाद. जो मंदाथाई ने जो 2-3 साल पहले हमारा इधर क्या है, बहुत गंदगी चल रहा था, इसके वजह से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था मंदाथाई मात्रे को, वो खुद आके इनिशिएट लेके मंदाथाई ने इधर एक अच्छा सा जिम योगासन करने के लिए ये बनाया है. और सीनियर सिटीजन जो क्या होता है वॉकिंग के लिए बहुत लोग आते हैं इधर, उनके लिए टॉयलेट बनाया है, बहुत अच्छा है. लोग बोलते थे टॉयलेट गंदगी होता है, ये नहीं होता है. आजकल क्या गांधी जी बोलते हैं और हमारा जो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं स्वच्छता भारत अभियान का हम लोग करते हैं, उसके लिए कुछ नहीं होता. बहुत अच्छा किया है मंदाताई मात्रे ने ये टॉयलेट बना के या जिम बना के. पहला क्या होता था, बहुत गंदगी हो जाता था क्योंकि सीनियर सिटीजन जब चलते थे कोई चल आते थे इधर आते, उनको करने के लिए कुछ नहीं है, उधर इधर झाड़ पे जाके करते थे, लोग चिल्लाते थे ये क्या गंदगी चल रखे थे. बहुत अच्छा हो गया है, कॉरपोरेशन वाले जो है वो लोग भी अच्छे फैसिलिटी बना के दे रहे हैं, बहुत अच्छा लगा. और जो सेक्टर 11 में जो ये हो रहा है ऐसा सब सेक्टर में होना चाहिए, ताकि क्या होता है उसको स्वच्छ भारत अभियान में भी आएगा और सबको भी पता चलेगा स्वच्छता क्या होता है करके. और इसके वजह से सब वॉकिंग, सब मीटिंग होता है, सब हॉनेस्टी बनता है, ये इसके लिए बहुत अच्छा हुआ है. मैं सेक्टर 11 निवासी के बदले मंदाताई को हम लोग थैंक यू बोलना चाहते हैं और तरफ से आप उनको बोल दीजिए मीडिया की वजह से और सबके वजह से धन्यवाद. बहुत ही अच्छा काम मैडम ने किया है, ये सिटीजन्स के लिए ये सब जितनी सुविधाएं दी हैं, जिम की है, टॉयलेट की है और यहाँ का जो सुशोभीकरण है ये बहुत ही अच्छी है. और हमारे यहाँ के नागरिकों की बहुत इच्छा थी बहुत दिन से कि इस तरह की सुविधा यहाँ मिले और उन्होंने इसमें अपने फंड का सदुपयोग करके ये जो सुविधाएँ दी है उसके बारे में हम उनके आभारी हैं. और आगे भी जो भी हमारे यहाँ की रिक्वायरमेंट्स है वो उन्होंने जैसा अभी आपके सामने बताया कि जो भी रिक्वायरमेंट है वो अपने इसमें से पूरा करेगी. और इस हमारे एरिया को वैसे भी है हमारा एरिया हम बहुत अच्छा मेंटेन करते हैं और हमारी कोशिश है ये पूरे नवी मुंबई का सेक्टर 11 जो है एक मॉडल सेक्टर बने. इसके लिए हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सब हमारे इसमें सहयोग करते हैं. अभी 2 तारीख को भी हमने स्वच्छता रैली निकाली थी, उसमें भी हमारे सब नागरिकों ने भाग लिया था. और हमारे एरिया के नागरिक सब सजग और सतर्क हैं ताकि अपना एरिया ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छ रहे, इसके ऊपर में सबका ध्यान है. मंदाताई मात्रे इज़ वेल अवेयर अबाउट इट.
दैट इज़ वाई सी लुक आफ्टर हेल्थ ऑफ यंगस्टर्स, हेल्थ ऑफ सीनियर सिटीजन्स, हेल्थ ऑफ वुमेन। एक बार पहले से चालू कीजिए ना, एक मिनट सर, वर्ती करो, ऊपर लो थोड़ा। हेल्थ इज वेल्थ, दिस थिंग इज वेल नोन टू अवर ऑनरेबल MLA मंदाताई म्हात्रे, एंड दैट इज वाई शी हैज मेड दिस टाइप ऑफ फैसिलिटी टू द सीनियर सिटीजन ऑफ इंडिया एंड वुमेन, चिल्ड्रेन, यंगस्टर, ऑलमोस्ट ऑल पीपल ऑफ द सोसाइटी। शी हैज यूटिलाइज हर फंड्स, हर Sir, what do you want to tell about the facilities that she have made for you? She has made open gym, yes, for public. She is a representative of our New Mumbai, and she look after health of the New Mumbai people. And sir, what about the washroom she have prepared? Washroom is a problem throughout India for the ladies. Yes. And she has taken due care about ladies as well as senior citizens of India, okay, and she has made available this facility in this garden. So are you happy with this? I am damn pleased with the act and actions of our honorable MLA Mandatai Mhatre.